केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट देने का विरोध करते हुए शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शहर के निजी व सरकारी चिकित्सकों ने 12 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान चिकित्सकों ने प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक हाथ पर काली पट्टी बांध कर कार्य का बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने आवश्यक ऑपरेशन तथा गंभीर रोगियों की देखभाल की। मालूम हो कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से अभी हाल ही में शल्य तंत्र के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट प्रदान की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इस छूट के कारण आमजन के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने की संभावना है। एसोसिएशन के अनुसार होना तो यह चाहिए कि केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद आयुर्वेद क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देता तथा प्राचीन भारतीय पद्धति को उच्च आयाम तक ले जाता, लेकिन उनके उक्त निर्णय से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। साथ में मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में घुसकर एक तरह से मिक्सोपैथी का प्रयास किया जा रहा है। झोला छोप प्रक्रिया से भी तुच्छ है। एसोसिएशन के अनुसार आज जहां सुपर स्पेशलिटी का युग है और एलोपैथी में सर्जरी के लिए अलग अलग योग्यतार्थ स्पेशलिस्ट उपलब्ध है, वही CCIM एलोपैथी के क्षेत्र में अनाधिकृत रूप में घुसकर एक ही चिकित्सक को सभी क्षेत्र की सर्जरी करने की उपाधि प्रदान करने जा रहा है, जो स्वयं आयुर्वेद पद्धति के लिए काला धब्बा है और मॉडर्न मेडिसिन में प्रशिक्षित चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात है। मालूम हो कि विरोध स्वरूप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विगत मंगलवार को विरोध स्वरूप 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए उक्त निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए इसके अभाव में शुक्रवार को 12 घंटे के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी। सरकार द्वारा एसोसिएशन की मांग पर निर्णय को वापस नहीं लेने के विरोध में शुक्रवार को 12 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। 12 घंटे के कार्य बहिष्कार में रविंद्र सिंह छाबड़ा, सीपी सिंघल, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर एच.के. आनंदानी, डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी, डॉक्टर गोविंद नाटानी, डॉक्टर जयलेश सिंघल, डॉक्टर महावीर माली, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर श्रीमती विद्या सक्सेना, डॉक्टर मंजू गगरानी, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर नरेश कोटवाल तथा राकेश मीणा सहित अन्य सरकारी व निजी चिकित्सक शामिल थे। एमएनसी जो है उसने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुष डॉक्टर्स हैं उनको भी कुछ एक सर्जरी अलाउ की है जो हमारे एलोपैथी की है, तो उसके तो पूरा IMA ऑल ओवर इंडिया और राजस्थान महाराष्ट्र इन दोनों ने आज हमने काली पट्टी बांध के उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन भाई ये जो बिल है ये बिल्कुल हमारे लिए गलत है, ऐसा नहीं होना। और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक प्राइवेट डॉक्टर्स भी मरीज नहीं देखेंगे, हम तो हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, 3 बजे से 6 बजे तक घर पे हम भी मरीज नहीं देखेंगे, केवल इमरजेंसी और कोविड से संबंधित जो मरीज है उनको जरूर देखेंगे।